जब छुट्टी के दिन मेरा कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो मैं ये हरी मिर्च की रेसिपी बनाता हूँ। इसके लिए मैंने ये 5-7 हरी मिर्च ली है, वो इनको पहले आइए जो धो लेते हैं। पहले आपको भी धो लेनी चाहिए, हरी मिर्च पे खूब कीटनाशक का जम के प्रयोग होता है, तो इनको पहले धो करके फिर यूज करेंगे। अच्छी तरह धोने के बाद फिर इनको इस तरह से बीच में से चीरना है, देखो बीच में से चीर लेते हैं। मैं कोई बरवा हरी मिर्च नहीं बना रहा, आप देखिए पूरी रेसिपी देखना, आप इसको बीच में से चीर लेंगे ऐसे। बहुत अच्छी मैं रेसिपी बताऊंगा, छुट्टी के दिन चटपटा खाने का मन हो तो बीच में से चीर लेना है। तो अभी हम दोनों जने मिलके इसको बीच में से चीर लेते हैं। और जिनके हाथों में जलन होती है, कईयों को एलर्जी होती है, तो हाथों के तेल लगा ले और फिर इस तरह मिर्ची में कट लगाए, नहीं तो हाथों में जलन हो सकती है। हमारे कुछ नहीं होता, हम तो बचपन से ऐसे मिर्ची बना के चटपटा खाते आए हैं। नहीं होता, शुरुआत में मैंने मिर्ची की रेसिपी डाली थी तो मेरे कमेंट आए थे, लेकिन जो जिनके हाथ मुलायम है और जो बचपन से नहीं करते उनके जलन हो सकती है, इसलिए वार्निंग देनी जरूरी होती है। नहीं लगाते ये भी ध्यान रखना। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, खुली कढ़ाई लेंगे, सीधा तेल गरम करना है। इसमें कोई मसाला देखो मैंने नहीं लिया है, कोई मसाला इसके अंदर भी बढ़ना नहीं है, इसकी विधि थोड़ी अलग हटके है। थोड़ा खुला तेल लेंगे कढ़ाई के अंदर और खुला तेल लेकर तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी मिर्ची को तलना है क्योंकि हमने धोया है, तो इसमें पानी है मिर्ची में और तेल गर्म है, तो जैसे ही हम तेल में मिर्ची डालेंगे तो पानी हमारे ऊपर आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें, इस तरह जाली पर गर्म रख लें और फिर थोड़ी दूरी से मिर्ची को तेल में डालें, जैसे ऐसे। और पहले पेट इसलिए चीरा है कि अंदर तक ये तेल में अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी, अंदर तक तो चीर जाएगी। इनका पेट इस तरह चीरा है हमने पहले, और इसी तरह से आपको ऐसे धारे पे रख रख के इनको धीरे धीरे डालना है, थोड़ा थोड़ा भी हो जाना है डाल के, कहीं मुंह पे नहीं आए पानी का और फ्राई होने के बाद। अब हम लोगों को तो बचपन का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपका ध्यान रखें तेल नहीं लगे आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पानी खाना मिलते हैं धोई धीरे से। इसको इस तरह से पेट चिरा हुआ इनका तेल से अंदर तक फ्राई हो जाएगी, एक बार बाल कर इनके पर फ्राई हो जाएगी, अंदर तक ये तेल से एक बार फ्राई हो जाएगी। मिर्च डालने के बाद तेल की आंच थोड़ी कम करने में आराम से चीजें फ्राई होने के कम आंच करके इसको थोड़ा। तो अगर आप पहली बार इस टाइम मिर्ची तलते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें, इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि थोड़ा ध्यान रखें, ये तेल मुंह पे नहीं आ जाए आपके एक तो, और एक बार पकने के बाद तो ये कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बीज भी फूटते हैं तो मुंह पे आता है ये, और पेट चिरा हुआ इनका इसके अंदर तक तेल जाएगा, अंदर तक ये मिर्च फ्राई होगी इसी तरह तेल में, जिससे इनसे बाद में मुंह जलने की संभावना कम रहेगी और खाने में बड़ा आनंद आएगा इसको। बाद में कैसे खाएंगे फिर, तो प्रोसेस आधी भी नहीं हुई है, आगे और प्रोसेस चलेगी इसकी। गैस की आंच कम कर ली है और बाहर की परत सिकी महसूस हो रही है, फिर भी अभी इसको अच्छी तरह अंदर से सिकने देंगे हम, आराम से डालेंगे इसमें ताकि ये जितनी सेकेंगे उतनी खाने में ये थोड़ी स्वादिष्ट रहेगी। जलने भी नहीं देनी है इसको, लेकिन एकदम अच्छी तरह से फ्राई होने देनी है। अब बाहर की परत एकदम सभी मिर्चों की गोल्डन फ्राई हो गई है, एकदम आराम से हमने बाहर की परत को यहाँ गोल्डन कलर तक आने तक इंतजार किया है सभी मिर्चों में, कि कहीं से कोई भी मिर्च का भाग कच्चा नहीं रहना चाहिए। और मध्यम तेज आंच रखी हमने, धीमी भी नहीं एकदम और एकदम तेज भी नहीं है, मध्यम आंच रखी है, और एक एक करके इस तरह इनको बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी अगली प्रोसेस चालू होगी। बेसन लेंगे, ये बेसन हमने पहले से छान के रखा है, आप बेसन को छान के यूज करें, इलिया वगैरह होती है, तो एक प्याली बेसन लेंगे इसमें बाउल में। पौना चम्मच नमक डालेंगे इसमें, सफेद नमक नॉर्मल नमक है, पौना चम्मच डालेंगे, और ये थोड़ा सा काला नमक है खुशबू के लिए, काला नमक ज्यादा डालने डालेंगे इसको, आधी चम्मच से भी कम डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक आधी चम्मच। ये सीमा जी मुझे सामान निकालने में हेल्प कर रही है, सामान निकाल निकाल के दे रही है, और ये थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे, आधी चम्मच से थोड़ी कम इसमें अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा चौथाई चम्मच इसमें हींग डालेंगे, चौथाई चम्मच हींग डाल के फिर पानी से इसका घोल बनाएंगे, पानी डाल के इसमें इसको ये बेकिंग
पाउडर लिया है, इसकी जगह आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, खाने का सोडा भी ले सकते हैं। और ये इसमें चौथाई चम्मच ये बेकिंग सोडा हल्का सा डालना है, बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अभी इस थिकनेस का घोल बनाने के बाद देखो, ये थिकनेस देखिए घोल की, आप देखो इस तरह से ये इस थिकनेस का एक घोल बन जाए। उसके बाद ये मिर्च एक एक करके इसके अंदर डालनी है। इनका मुंह हमने पहले से चीरा हुआ है, ये पूरा इसके अंदर जाना चाहिए, थोड़ा मुंह खोल खोल के डाल देना, ये थोड़ा हाथ खराब हो तो होने देना इसको, ये मसाला पूरा इनके अंदर जाए घोल, तो फिर ये ऐसे थोड़ा इसे खोल के डालना पड़ेगा ताकि पूरा ये अंदर तक जाएगा। ये बाद में जब इसको तेल में हम तलेंगे तो अंदर तक ये पूरा मिर्ची का घोल तला जाएगा साथ में, इसे घोल में डुबोना है। सारी मिर्च आप देख सकते हो घोल के अंदर अच्छी तरह से डुबा के छोड़ देनी है, और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है, ज्यादा पतला भी होगा तो तल नहीं जाए ढंग से, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। अब इसको डुबा के ऐसे 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। अब 15 मिनट होने वाले हैं। जिस कढ़ाई में तेल में हमने मिर्च तली थी उसमें थोड़ा तेल और डालेंगे, तेल कम पड़ गया था इसलिए। और जब तक ये 15 मिनट के अंदर सीमा जी ने दाल बना के तैयार कर दी है, दाल में तड़का लगा दिया है फर्स्ट क्लास, और इसको रोटी के साथ हम साइड डिश की तरह खाएंगे दाल के साथ में, तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद फ्राई होने के बाद में इसको दाल और रोटी के साथ में साइड डिश की तरह आपको खानी है। 15 मिनट हो गए हैं, इसको एक एक मिर्च को इस तरह से आपको डालना है। देखिए ध्यान रखना, डालते समय मुंह पे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना, और वैसे पानी भी ऐसे मुंह पे नहीं आएगा ये, फिर भी इसको थोड़ा एक्सपीरियंस आपको मांगता है। एक एक मिर्च को इस तरह से इसमें डालना है कढ़ाई में। देखिए 3-4 मिर्च इसमें आ जाएगी, और उसके बाद इसके ऊपर ये घोल चम्मच की रहता है, थोड़ा थोड़ा सा घोल भी डालेंगे, अच्छी तरह मिर्चों पर आ जाएगा ये घोल भी। एक साइड से थोड़ी सीख जाने के बाद इसको दूसरी साइड की तरफ उल्टा कर देंगे, इसे पलटा लगा देंगे इसमें कढ़ाई में, ध्यान से आगे पलटना पड़ेगा इसको। उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे अच्छी तरह से, सबको उलटते पलटते हुए इसमें कढ़ाई में। ये तेल नहीं पिएगी ज्यादा, जब एकदम सिक जाएगी तब ये तेल अपने आप वापस छोड़ देगी, कच्ची निकालेंगे तो ही तेल ज्यादा आएगा आपके अंदर। तो इस पर थोड़ा ऐसे उलट पलटते रहें, इसको येलो फ्राई होने दें, गोल्डन ब्राउन होने दें, ऐसे पलट पलट के। ये मिर्च भी एकदम तल के तैयार हो चुकी है, इनको बेक करके ऐसे सीनी में निकालते जाएंगे। ये हमारी मिर्च बनके तैयार है, इसका देखिए आप कैसा टेक्सचर है, और इसको हम जो है रोटी के साथ खाएंगे, बीच में मिर्च होगी, ये देखिए कभी चटपटा खाने का मन हो ऐसे आप इनको खा सकते हैं। चटनी ये मैंने इंस्टेंट चटनी बना दी बच्चों की मांग पे, थोड़ी सूखे पुदीने से चटनी स्वाद है। कुछ नहीं, इसमें सूखा पुदीना और काला नमक मिला के, पानी मिला के अथवा चटनी मिला दी मैंने, थोड़ी चीनी मिला के, और ये चावल भी है। कैसे लगे? एक्सक्लूसिव स्पेक्यूलेटर बहुत बढ़िया। वृंदा कैसे? चटनी चार चांद लगाई, और इसको इस तरह से हरी मिर्च को देते हुए बहुत अच्छे बने हैं खाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट अवश्य करें कि ये मिर्च आपको कैसी लगी खाने में।
बना के कमेंट करना और फिर खा के कमेंट करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।